हाय गाइस, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं अभी रेडी होके निकलूंगी क्योंकि ये वीकेंड में हम लोग दालमा जा रहे हैं जो कि जमशेदपुर से 1 घंटा लगता है। बहुत ही अच्छा जगह है, मैंने सिर्फ फ़ोटो में ही देखा है, तो मैं भी एक्सप्लोर करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो उधर ही जाएंगे, हावड़ा से ट्रेन है 6:20 में, तो अभी जल्दी से ऑलरेडी लेट हो चुका है तो जल्दी से अभी निकलेंगे। आप लोग देखते रहिए एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं फटाक से जा रही हूँ, रेडी होके निकल रही हूँ, आप लोग साथ में रहिए और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। ऐसे ही रिसॉर्ट में घूम रहे हैं और आप लोग देख सकते हो अभी कोई भी नहीं है आसपास, और आप लोगों ने 360 डिग्री व्यू देखा इसका कितना अच्छा है। और ये जगह एक्चुअली मुझे इतना अच्छा लग गया है, मैं सोच रही हूँ विंटर में और एक बार आने के लिए, क्योंकि विंटर में आने से और भी अच्छा लगेगा। ये जो है इधर विंटर बहुत अच्छा आता है, जो भी लोकलाइज लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि विंटर में टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं। मुझे बेसिकली ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह पसंद नहीं है, एटलीस्ट घूमने के लिए, जब भी मैं रिलैक्सेशन के लिए कहीं भी जाती हूँ। इस जगह का एक बेनिफिट ये है कि आसपास और कोई रिसॉर्ट नहीं है, यही एक रिसॉर्ट है, तो जितना भी हो सकता है भीड़ यही रिसॉर्ट में होने वाला है। और इसमें 6 कॉटेज है तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो पाएंगे और कहीं भी। अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं।
सिर्फ नेचर की आवाज़ सुन सकते हो। तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा चाय पियेंगे, वो पहले ही बोल चुकी इधर सिर्फ एक ही रिजॉर्ट है, ये फॉरेस्ट वाला, तो आसपास कोई चाय का दुकान नहीं है। फॉरेस्ट कैंटीन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, अभी लोगों को रिजॉर्ट जाके ही चाय पीना पड़ेगा। And that's how we have ended our first day at Dalma. I will give you all the details regarding this trip on my next video. Keep an eye on my channel. Bye.